लालू यादव हमारा साथे धोखा के लिए बात लेकिन अगर अजीत के कोई धोखा देवे के दाल करे ओकरा के कबो माफ ना करे जहां हमारा अभिभावक कौन सरदार करुणा सिंह के निर्णय हुई रणधीर के निर्णय हुई ओ निर्णय का साथे हम रहे बिहार का स्पेशल शो चुनावी चौसर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। तेजस्वी यादव कहते हैं नीतीश कुमार के लिए कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। लेकिन रणधीर सिंह क्या कहते हैं? महाराजगंज के रणधीर सिंह कहते हैं कि राजद और लालू से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। मेरे साथ धोखा हो गया, हम तो छोड़ेंगे नहीं, पूरा बिहार घूमेंगे और राजद की बैंड बजा देंगे। इतना ही नहीं, अपने ऐलानित जंग में उन्होंने राजद को चेतावनी भी दी है कि महाराजगंज तो छोड़िए, पूरे बिहार में इंडिया की बत्ती गुल कर देंगे। और इसका पहला उदाहरण तब देखने को मिला जब राजद विधायक केदार सिंह ने मसरख में साफ कर दिया कि वह रणधीर सिंह के साथ रहेंगे और रणधीर सिंह जो फैसला लेंगे उससे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मतलब साफ है कि राजद के एक और विधायक ने लालू प्रसाद और तेजस्वी के खिलाफ बागी तेवर अपना लिया है और अपनी आगे की लड़ाई वो लालटेन को बुझाने के लिए लड़ेंगे। तो आइए पहले सुनिए क्या कुछ कहा है राजद विधायक केदार सिंह ने। हम चाहे कोनो दल में हो कि जहां हमारा अभिभावक कौन सरदार करुणा सिंह के निर्णय हुई रणधीर के निर्णय हुई वो निर्णय का साथ हम रहे। केदार सिंह का बागी तेवर, लेकिन रणधीर सिंह के ऐलानित जंग पर अब जब आप गौर करेंगे तो साफ दिखता है कि राजपूत वोटों की गोलबंदी महाराजगंज और छपरा में लालू को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो आइए सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं रणधीर सिंह। कांग्रेस का झोली में जबरन डाल दो, प्रस्तुति में जब गए कि हमें की समझ पाओ वास्तविकता बात की हमें से लेकर महाराजगंज में प्रत्याशी नाम के कोई व्यक्ति हमारे चाचा के घर पर नहीं, हम चाचा के ऊपर कोनो कटाक्ष नहीं की तरफ ये पार्टी धोखा दे के दे। अगर ये धोखा ना हाथ तरीका होगा गर्मी होके बरसात होके ठंडा होके हमें बल का झंडा लेके गांव गांव पूरा घूमने के काम करी अपने लोग जान निछावर कर दिया। अगर कोई राजनीति विरोधी भी बा चाहते हो तो सम्मान अपमान पैसा से मिला और भेदभाव ना होते चाहिए, लेकिन अगर राजनीति में कोई धोखा देवे के दाली करे ओकरा के कबो माफ ना करे के चाहिए। लालू यादव हमारा साथे धोखा के लिए बार मन से हम जाके दिल्ली में 20 तक अखिलेश बाबू से मिलन भी रहे, वहां का हमने विश्वास भी ले रहे
तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रणधीर सिंह ने। दरअसल पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने राजद के द्वारा अंतिम समय में टिकट काटकर कांग्रेस के दिए जाने के विरोध में एक बड़ा जन पंचायत का आयोजन मसरख में किया था, जहां हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ इकट्ठी हुई। इस सभा में रणधीर सिंह ने संकल्प लेते हुए कहा कि वे संकल्प लेते हैं कि पूरे बिहार में घूमकर राजद के प्रत्याशियों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हराने का काम करेंगे। वहीं रणधीर सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान से दलीय प्रत्याशी जो है उनके होश उड़ गए हैं, और महाराजगंज में जो सियासी समीकरण नजर आ रहा है उसमें सीधा नुकसान राजद को होते हुए ही दिखाई देता है। जहां राजपूत मतदाता पूरी तरह से राजद से दूर हो चुके हैं, साथ ही साथ शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट नहीं देने की वजह से मुसलमान तबका जो है उसमें भी राजद के प्रति विरोध देखा जा रहा है, जिसका सीधा सीधा फायदा आने वाले चुनाव में रणधीर सिंह को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि रणधीर सिंह के मैदान में उतरने से वहां पे जो भी कैंडिडेट है, जो अखिलेश सिंह के जो बेटे हैं या फिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, तो किसकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ने वाली है और किसके जीतने की संभावना इस सीट से ज्यादा है, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।